हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 38 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, जिसका नाप इस तरह से है। हमारी लेंथ है ब्लाउज की, हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 38 इंच, अपर चेस्ट है 36 इंच, शोल्डर है 15 इंच, कमर है 30 इंच, स्लीव है 11 इंच, स्लीव राउंड है 12 इंच, आर्म होल राउंड है 18.5 इंच, फ्रंट नेक है 6 इंच, बैक नेक है 9 इंच। अब हम इसको कागज़ पे ड्राइंग करेंगे। हमारी लेंथ है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 15 इंच। हम यहाँ 15 इंच पे दाग लगा देंगे। हम ठीक यहाँ भी एक 15 इंच पे दाग लगा लेंगे। जब भी हम दाग लगाते हैं, पहले दाग लगा के सीधी एक लाइन खींच लेंगे, इससे हमारा ड्राइंग अच्छा बनता है। हमारा शोल्डर है 15 इंच, 15 का हम आधा लेंगे तो यहाँ हुआ 7.5 इंच। हम 7.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और ठीक 7.5 इंच पे ही यहाँ हम दाग लगा देंगे। इस तरह से फिर यहाँ भी 7.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ भी 7.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब इन सभी दागों को मिला लेंगे। पहले इस दाग से इस दाग को मिलाएंगे, उसके बाद इस दाग को इस दाग से मिलाएंगे। अब हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो हम यहाँ 38 इंच के हिसाब से नहीं करेंगे। हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच, हम उस हिसाब से करेंगे। हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच, हम उसमें उसका चौथा भाग करेंगे तो हुआ 9 इंच। 9 के साथ हम कोई भी प्लस नहीं करेंगे, हम यहाँ 9 इंच पे एक दाग कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमारी कमर है 30 इंच, हम 30 का चौथा भाग करेंगे तो हमारा आया 7.5 इंच। हम सिर्फ 7.5 पे एक इसी तरह दाग लगा के रख देंगे। अब हम बाजू की गोलाई दे देंगे। हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, ये हमारा 3 इंच पे गला खुलेगा। यहाँ से हम 0.5 इंच का एक दाग लगाएंगे, इस दाग को इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 0.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से हम दाग को मिला देंगे। अब यहाँ से हम एक गोलाई दे देंगे। और यहाँ हमारा 6 इंच पे गला खुलेगा, हम यहाँ 6 इंच पे एक दाग लगाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ भी 6 इंच पे और यहाँ 3 इंच पे एक दाग लगा देंगे। इसी गोलाई दे देंगे। हमारा बस्ट पॉइंट है 10 इंच, 10 में हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10.5 इंच। हम यहाँ 10.5 इंच पे दाग लगा देंगे। अब यहाँ से हम दाग को मिला लेंगे। अब हम इस पॉइंट से 2.5 इंच नीचे उतारेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच नीचे उतारेंगे। अब इस दाग को मिला लेंगे। अब हमारा सीना है 38 इंच, 38 का हम 12वां भाग करेंगे तो हुआ हमारा यहाँ 3.25 इंच। हम यहाँ 3.25 इंच पे दाग लगा लिए और ठीक हम जहाँ बस्ट पॉइंट लिए हैं यहाँ उससे 0.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ हुआ 4.25 इंच। हम यहाँ 4.25 इंच पे दाग लगा लेंगे। इस तरह से दाग को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे
ठीक यहाँ से भी 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे, दाग थोड़ा तिरछा होगा, इस तरह से दाग को मिला लेंगे। अब हम इस दाग से यहाँ मिलाएंगे, इस तरह से दाग को मिला लिए। अब हम ठीक इस कोने से इस तरह से एक दाग लगा देंगे। अब हम इसको यहां से हल्के हाथों से गोलाई देते हुए चले जाएंगे। यहां से गोलाई देते हुए हम इस तरह से इस दाग में मिल जाएंगे। यहां से ये देखिए, यहां से इस तरह से दाग को मिला लेंगे। अब हम यहाँ कमर का पूरा दाग लगाएंगे। यहाँ हमने 3.25 इंच पे लिया है, अब हमको चाहिए यहाँ 7.5 इंच, तो हम यहाँ है 3.25 इंच, हम 3.25 इंच यहाँ देखेंगे। इसके बाद फीते को ठीक इस जगह से रखेंगे, यहाँ रख करके 7.5 हमारा देखेंगे कहाँ आ रहा है, यहाँ 7.5 इंच आ रहा, हम यहाँ एक दाग लगा देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अब हमने ऊपर का दाग को अपर चेस्ट के हिसाब से लिया था, अब हम जहाँ हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ हम नॉर्मल चेस्ट से लेंगे। सीना हमारा 38 इंच है, 38 का चौथा भाग हुआ 9.5, हम यहाँ 9.5 इंच पे दाग करेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इन दागों को मिला देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से दाग मिलाने से आ जा रहा है, अगर नहीं आता तो हम इस तरह से दाग को लेके ठीक इस तरह से लेते। अब यहाँ भी हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर में एक शेप का दाग लगा देंगे। जो हमारी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम इसको नापेंगे। यहाँ से हम इस तरह से नापते हुए जाएंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 11 इंच, हम यहाँ भी चेक करेंगे, फिर इस तरह से इस दाग को चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 10.5 इंच, हमको यहाँ 11 इंच पे लेना, हम यहाँ 11 इंच पे दाग लगा देंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ दाग लगा, हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ दाग लगाएंगे और इस दाग को यहाँ से मिला देंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग तैयार है, अब हम इसको काटेंगे। ये हमारा फर्मा कट के तैयार है, अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। ये हमने लाइलिन ले लिया है, अब हम इस पर पीछे का पार्ट ड्राइंग करेंगे। पहले कपड़े को सीधी कर लेंगे। अब हमारी लेंथ है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 15 इंच, हम यहाँ 15 इंच पे दाग करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ भी एक दाग कर देंगे। अब इस दाग को मिला लेंगे। हमने शोल्डर लिया था 7.5 इंच, यहाँ हम 7.5 इंच लेंगे। यहाँ हम 7.5 इंच पे उतारेंगे, यहाँ भी 7.5 इंच पे उतारेंगे, यहाँ भी 7.5 इंच लेंगे। अब इन दागों को मिला देंगे। अब हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा भाग लेंगे तो हुआ 9 इंच, हम यहाँ 9 इंच पे दाग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे।
हमारी कमर है, तो हमारी कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 8.5 इंच। हम यहाँ 8.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। और 2 इंच यहाँ भी ले लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे एक दाग लगाएंगे। यहाँ 0.5 इंच पे दाग लगाएंगे। हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, यहाँ भी 3 इंच लेंगे, इन दागों को मिला लें। यहाँ से 9.5 इंच पे दाग करेंगे। और 3 इंच हमारा ये गला बनेगा। अब हम इसको काटेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट गया है। अब हम यहाँ फरमे से काटेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से दाग लगा लेंगे। ये इसमें बैक हुक होगा तो हम इसको जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये ब्लाउज बैक से खुलेगा इसलिए हम सामने में जॉइंट लगा देंगे। हम 0.5 इंच जॉइंट के लिए कपड़ा रख लेंगे। अब हम यहाँ से 0.5 इंच सिलाई का मार्जिन देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को काटेंगे, इस तरह से रख के इसको दाग लगाएंगे। हम यहाँ भी सिलाई का 0.5 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब हम इसको काट लेंगे। अब इसकी बाजू हम काट लेंगे।
ये हमारी बाजू कट गई है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पे करेंगे। अब हम दो सूत कपड़ा ज़्यादा रख के काटते हुए चले जाएंगे। ये हमारा सब पार्ट कट के तैयार हो गया है। ये हमारा सब कट के तैयार हो चुका है। अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।